Hello everyone, my name is Shelja Chhabra and today we are going to start with the chapter number 2, Shapes and Angle. Okay, let's start with the chapter Shapes and Angle of class 5th of NCERT book. So, ab isme kya hai? Take out page number 16. Dekho, page number 16 pehle hum cover karte hain. तो इसमें है शेप्स और एंगल्स. इस चैप्टर में हम शेप्स और एंगल्स के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम शेप्स के बारे में बात करते हैं. शेप्स कौन सी होती हैं, जैसे कि सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, हाँ, और स्क्वायर है, इस तरह की शेप्स होती हैं. ठीक है, ये देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. जैसे कि सर्कल है, ठीक है, मेरा सर्कल इतना अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है, सर्कल है, देन रेक्टेंगल है, देन स्क्वायर है, ठीक है, और ट्रायंगल है, ठीक है. अब ये सब क्या है? ऑल दीज आर शेप्स. ये सब हैं, शेप्स होती हैं, ठीक है. अब हम साइड्स की बात करें तो ये देखो, ये ट्रायंगल की कितनी साइड्स हैं? 1, 2 एंड 3, ठीक है. स्क्वायर की है 1, 2, 3, 4, फोर साइड्स हैं स्क्वायर की, 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की, देन 4 साइड्स ही होती हैं रेक्टेंगल की. 1, 2, 3, 4, 4 ही साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की. देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो होता है ना थोड़ी सी लेंथ बिगर होती है, ठीक है, इसकी जो पैरेलल साइड्स होती है ना वो इक्वल होती है, ना कि चारों की चारों साइड्स, ये डिफरेंस होता है इसके अंदर. अब ये जो सर्कल है, सर्कल की तो कोई भी साइड नहीं होती, ठीक है. अब ये इनकी ये जो ये इनकी साइड्स वगैरह आप देख चुके हो. देखो अब इसी तरह से अब आप आगे पढ़ते हो. आगे क्या है, जो पेंटागन होता है, इसी तरह से एक ना पेंटागन होता है. पेंटागन जो होता है उसकी होती है 5 साइड्स, पेंटागन, पेंटागन की होती है 5 साइड्स. पेंटागन कैसे बनता है? 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया पेंटागन, ठीक है. अब हेक्सागन, हेक्सागन की होती है 6 साइड्स. कितनी साइड्स? 6 साइड्स. कैसे बनता है? 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6. अब नेक्स्ट है ऑक्टागन, ऑक्टागन की होती हैं 8 साइड्स. 8 साइड्स कैसे होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 8 साइड्स होती हैं. अब देखो आगे हम पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं. चैप्टर के अंदर क्या है, ये आपको शेप्स तो पता चल गई कैसी कैसी शेप्स होती हैं. हाँ, इसमें लिखा है रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स. जो रोहिणी है और मोहिनी है ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं. दे लव डूइंग द सेम सेम थिंग्स. वो दोनों एक सेम चीजें करना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं. वन डे व्हेन दे आर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक्स, शैला गेव देम अ चैलेंज. तो एक बार जब वो शेप्स बना रही होती हैं मैच स्टिक्स से, ठीक है, माचिस की तीली यानी मैच स्टिक्स से जब वो शेप्स बना रही होती हैं तो शैला उनको एक चैलेंज देती है. अब चैलेंज क्या है? रोहिणी विल मेक शेप, रोहिणी जो है रोहिणी शेप बनाएगी. मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट. वो कह रही है कि भाई जो रोहिणी जो शेप बनाएगी वो मोहिनी ने उसको देखना नहीं है, लेकिन उसको उससे वो क्वेश्चंस पुट अप कर सकती है कि किस तरह की शेप है, क्या उसका सब कुछ उससे क्वेश्चंस पुट अप कर सकती है, लेकिन उसको सेम शेप बनानी है. तो अब दूसरी बोलती है कि ओ दैट इज सिंपल, ओ ये तो बहुत ही ईजी है. तो रोहिणी मेड दिस शेप. जो रोहिणी है वो कौन सी शेप बनाती है? हाँ, रोहिणी बनाती है ये वाली शेप, इसको कहते हैं हेक्सागन यानी 6 साइड्स, ठीक है. रोहिणी ने बनाई हेक्सागन यानी 6 साइड्स, 6 साइड्स, ओके.
अब मोहिनी पूछती है इज इट अ क्लोज शेप। देखो आपको पता है क्लोज शेप क्या होती है। क्लोज शेप क्या होती है? क्लोज शेप होती है जो कि शेप एक बंद होती है, ठीक है, और ओपन शेप होती है जो ओपन होती है, ऐसी शेप जो बंद हो, जैसे कि ये वाली अभी आपने हेक्सागन बनाया, ये क्या है, कहीं से भी ओपन है नहीं ना, ये क्लोज शेप है। ये ट्राइंगल हो गया, ये भी क्लोज शेप होती है। ये सर्कल हो गया, ये भी क्लोज शेप हो गई, ठीक है। ऑक्टागन, ये भी क्लोज शेप हो गई, ठीक है। तो ये सब है क्लोज शेप्स हैं, और जो ओपन शेप होती है, ओपन शेप जो होती है वो होती है जैसे कि कहीं से भी ओपन हो, जैसे ये शेप है, ये क्या है, ये यहाँ से ओपन है, ठीक है। और जैसे कि आपकी ये वाली शेप हो गई, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ओपन शेप, ठीक है, ओपन शेप, ठीक है। तो क्लोज और ओपन शेप में आपको इस तरह की बहुत सारी शेप्स आपकी बन सकती हैं, तो आप बनाओ इसको। तो वो पूछ रही है, मोहिनी पूछ रही है इज इट अ क्लोज शेप, वो क्वेश्चन तो उससे पुट अप कर सकती है ना वो, तो उससे पूछ रही है कि क्या ये क्लोज शेप है। तो मोहिनी बोलती है, तो आगे से इट इज अ क्लोज शेप, वो कह रही है हाँ जी ये क्लोज शेप है। मोहिनी कह रही है हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो वो कह रही है सिक्स साइड्स हैं। तो रोहिणी कह रही है सिक्स साइड्स हैं, मोहिनी मेड दिस। अब मोहिनी ने बनानी थी, तो मोहिनी ने क्या बनाया, मोहिनी ने शेप को चेंज कर दिया, मोहिनी ने बनाई ये वाली शेप, क्योंकि इसकी भी क्या है, इसकी भी सिक्स साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। उसने मैथ स्टिक से ये वाली सिक्स साइड्स की शेप बना दी, भी उसने क्लोज शेप भी है और साथ में सिक्स साइड्स भी हैं, तो ये बन गई उससे। अब नाउ यू गिव द आंसर, अब मोहिनी ने ये शेप बनाई, तो अब उसके बाद वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या है, नाउ इज इट अ क्लोज शेप, यस दिस इज अ क्लोज शेप, डज इट हैव सिक्स साइड्स, तो वो कह रहे हैं हाँ जी ये सिक्स साइड्स हैं, बट इट इज नॉट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये वाली जो शेप है ये तो मोहिनी ने नहीं बनाई है, तो अब रोहिणी ने नहीं बनाई है, तो सेम शेप नहीं हुई, दैट मीन्स आप आउट हो गए। तो अब मोहिनी जो कहती है ठीक है मैं एक बार और ट्राई करती हूँ, तो अब मोहिनी ने जो बनाई शेप वो ये है, 1 2 3 4 5 6। तो उसने सिक्स साइड से फिर से एक शेप बना दी, ठीक है, वो क्या बनी, ये भी है क्लोज शेप, ये भी क्लोज शेप है और इसकी भी सिक्स साइड्स हैं। तो अब लेकिन ये भी गलत है, ये भी रोहिणी ने नहीं बनाई, ये भी मोहिनी ने गलत बना दी शेप, तो दिस इज व्हाट शी मेड, ठीक है। तो अब लेट्स मूव ऑन टू द पेज नंबर 17। अब हम चलते हैं पेज नंबर 17 पे, तो अब वो पूछ रहे हैं इज इट अ क्लोज शेप विद सिक्स साइड्स, वो कह रही हैं यस कि ये भी सिक्स साइड्स हैं, इसकी ये भी क्लोज शेप है। इज इट द सेम एज वन मेड बाय रोहिणी, तो क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या यही सेम शेप है जो रोहिणी ने बनाई थी। अब वो कह रहे हैं नो ये नहीं है शेप, उसने तो ऑक्टागन बनाया था है ना, उसने तो हेक्सागन बनाया था, सॉरी, ठीक है, तो ये सेम शेप नहीं है। इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दी शेप्स आर डिफरेंट, तो अब आप क्या बता सकते हो कि किस तरह की शेप उसको बनानी चाहिए या किस तरह से उसको डिस्क्राइब करना चाहिए कि भाई वो सेम शेप्स उसकी बन जाए। तो क्या कोई और रास्ता भी है, देखो मैं पहले इनके आंसर्स राइट डाउन कर दूं। इज इट अ क्लोज शेप विथ सिक्स साइड्स, यस। इज इट द सेम एज रोहिणी मेड वन, नो। इज देयर सम वे टू टू से इन व्हाट वे दी शेप्स आर डिफरेंट, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये शेप्स उससे डिफरेंट है, क्या और रास्ता है इसके अंदर। मोहिनी इज नाउ टायर्ड ऑफ ट्राइंग, अब मोहिनी जो है उसने फिर से ट्राई की लेकिन वो अब टायर्ड हो चुकी है,
अब वो उससे पूछती जा रही है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है ना शैला व्हाट टू डू। अब शैला से पूछती है अब मैं क्या करूं बताओ। तो अब आगे इन दोनों की कन्वर्सेशन लिखी हुई है। इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू। अब देखो अब एंगल्स की बारी आई है। अब एंगल्स एग्जैक्टली क्या होता है? जब कोई भी दो लाइंस ज्वाइन करते हैं तो एंगल बनता है। ठीक है, कोई भी दो लाइंस जब ज्वाइन होती हैं तो हम उसको कहते हैं एंगल, एंगल बनता है। ठीक है, जैसे कि अब सपोज ये है, ये वन लाइन, ये टू लाइन। अब ये क्या है? दिस इज एंगल। ठीक है, या फिर इस तरह से ये है, दिस इज ऑल्सो अ एंगल। ठीक है, जब दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, अब वो कह रही है सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। वो कह रही है एंगल्स बताते हैं अभी क्या होता है। अब वो एंगल्स बता रहे हैं। ठीक है, तो जब दो लाइंस के बीच में जैसे डिस्टेंस बढ़ जाता है तो एंगल बढ़ जाता है, तो इसका मीनिंग है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली एंगल भी है वो छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे कि अब सपोज आपने बनाया है ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल बनाया है, तो इसका जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग एंगल का एंगल भी छोटा बड़ा हो जाता है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये एंगल छोटा हो गया। अब ये जो डिस्टेंस है आप देखो, ये डिस्टेंस जो है अब ये बढ़ गया है, दैट मीन्स एंगल बड़ा हो गया है। ठीक है, एंगल बड़ा हो गया है। अब जैसे सपोज अब एंगल्स ऐसे भी चेंज हो जाते हैं, ये इस तरह से, तो ये भी एंगल है। तो ये इसका इसका जो डिस्टेंस है ना, धीरे धीरे करके हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये एंगल का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंगली उसका छोटा बड़ा होता रहता है। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दी शेप्स, वो कह रहे हैं लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दी शेप्स। वो कह रहे हैं कि ये वाले जो एंगल्स हैं इनको देखो, इनको जो मार्क किया हुआ है इनको देखो, ठीक है, और इनमें इनमें डिफरेंस बताओ। इसमें है ये फर्स्ट शेप जो है ये रोहिणी ने बनाई है, देन ये दो शेप्स जो हैं ये मोहिनी ने बनाई है। ठीक है, ये वाली शेप्स जो है ये रोहिणी ने बनाई है, ये जो शेप्स हैं ये मोहिनी ने बनाई है। ये देखो ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये वाली जो लाइन है ये देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों ज्वाइन हुई, इसका एंगल हो गया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ज्वाइन हुई तो ये इसका एंगल हो गया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ज्वाइन हुई तो ये इसका एंगल हो गया। ठीक है, ये लाइन और ये वाली लाइन जब ज्वाइन हुई तो ये इसका एंगल हो गया। अब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जब ज्वाइन हुई तो ये इसका एंगल हो गया। ये और ये ज्वाइन हुई तो ये इसका एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरह से इनका एंगल्स हैं। अब ये देखो ये जो एंगल है ना, ये देखो ये जो दो लाइन ज्वाइन हुई तो इसका एंगल देखो कितना बड़ा हो गया। ठीक है, बिग एंगल हो गया। आप इसी तरह से अगर मान लो रोहिणी उसको एंगल्स बताती कि ये वाला एंगल ऐसे बनाना है, ये इस एंगल को इस तरह से बनाना है, तो मोहिनी इजीली उस शेप को ड्रॉ कर सकती थी। अब आगे लिखा है सी हाउ द मैस्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल। ये देखो आप जो दो मैस्टिक्स हैं, मैस्टिक्स मिलकर एक एंगल्स बनाती हैं, एक छोटा एंगल बड़ा एंगल इस तरह से एंगल्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, ये देखो ये है एंगल्स, ठीक है, ये हो गया बिग एंगल। अब ये देखो ये हो गया स्मॉल एंगल, और ये देखो ये वाला और भी छोटा एंगल हो गया। अब ये वाला हो गया, ये और भी बिग एंगल हो गया। ठीक है, इसी तरह से एंगल्स फॉर्म होते हैं, इसी तरह से एंगल्स फॉर्म होते हैं, एंगल बनते हैं। वाओ व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस शो सो मच। तो वो कह रही है कि ना वाओ, जैसे जैसे एंगल चेंज होता है वैसे वैसे उनकी शेप्स चेंज होती है। तो अब वो मैथस्टिक से एंगल्स फॉर्म कर करके देख रहे हैं कि इस तरह से एंगल्स बनाओ तो इस तरह से उनकी शेप्स बनती जाएंगी। अब आगे है प्रैक्टिस टाइम।
लुक एट द शेप एंड आंसर, इस शेप को देखो और इनके आंसर्स बताओ। देखो ये जो शेप है इसकी फाइव साइड्स हैं, इसकी कितनी साइड्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी जो है फाइव साइड्स हैं। इनके अंदर देखो इन्होंने डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं एंगल्स के, ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये वाइट है और ये येलो है, ठीक है, ये इन सबके डिफरेंट कलर्स दे रखे हैं। तो आगे इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो पुटअप किया है, लुक एट द शेप, आप इस शेप को देखो एंड आंसर। जब आप शेप को अच्छे से ध्यान से देखोगे ना तो इनके एंगल्स साथ की साथ देखते जाओ कि इसका एंगल छोटा है या बड़ा है। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज बिगेस्ट एंगल, तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा एंगल सबसे बिगेस्ट एंगल है, कलर देख के बताना है, कलर से बताना है कि कौन से एंगल्स सबसे बिगेस्ट एंगल है। तो इसमें हमने जो एंगल्स, ये देखो इसमें इसमें है ना, इसमें सारे एंगल्स फॉर्म किए गए हैं, ठीक है। व्हेन द साइड्स आर इक्वल देन द एंगल्स आर आल्सो इक्वल, सो दे आर इक्वल दैट मीन्स द डिस्टेंस इज सेम सो इट इज इक्वल, ठीक है। जब इन दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, जब ये साइड्स अगर सेम है, ठीक है, अगर ये साइड्स अगर सेम है और इनका डिस्टेंस अगर सेम है, ठीक है, तो ये एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे ये है ये साइड्स और ये साइड दोनों सेम है, इनका डिस्टेंस ये रहा, ठीक है, ये साइड और ये साइड ये सेम है तो इनका एंगल ये रहा, ठीक है, ये साइड ये डिफरेंट है। अब ये वाली साइड, ये टू लाइंस जब ज्वाइन करी हैं तो ये वाला जो एंगल है ये डिफरेंट है, और ये वाली ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो इससे कैसे पता चलता है कि कौन से वाले एंगल सबसे बिग है, ये देखो ये वाला हम इस टाइम पे, अभी आप जब थोड़ा आगे पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको एंगल्स मेजर करने भी बताएंगे, फाइन। तो अभी फिलहाल आप इसको ऐसे ही डिस्टेंस देखते जाओ कि किस तरह से इसके एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं और कितना इसमें साइज है। देखो मुझे तो ये वाला जो साइज है, ये जो शेप है, ये इनकी जो साइड देख के और इनका जो एंगल देख के मुझे तो ये ब्लू वाले एंगल्स बिग लग रहे हैं। तो दैट मीन्स जो ब्लू कलर है, सॉरी ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के है ना, ये ब्लू कलर के नहीं है, ये ब्लैक कलर के हैं। तो ब्लैक कलर के एंगल्स जो हैं बिगेस्ट एंगल्स हैं, ठीक है। तो सेकंड इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द एंगल्स मार्क्ड विद येलो इक्वल, इसमें वो कह रहे हैं कि सारे एंगल्स जो येलो के साथ हैं मार्क्ड हैं वो इक्वल हैं क्या। इसमें वो कह रहे हैं जो येलो के साथ जो मार्क्ड हैं वो इक्वल हैं एंगल्स, तो इसमें आप कैसे करोगे, ये देखो इसके अंदर जो है इक्वल है, ये आप देख सकते हो, ये येलो और ये येलो, ठीक है, ये सब येलो, सॉरी ये पुरानी वाली पिक है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस हैं। ये जो ये कह रहे हैं कि जो ये येलो वाले एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो यस दे आर इक्वल, यस दे आर इक्वल, क्योंकि इन दोनों की साइड्स भी सेम हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो यस दे आर इक्वल। आर द एंगल्स मार्क्ड विद ग्रीन आर इक्वल, क्या वो एंगल्स जो ग्रीन के साथ मार्क्ड हैं क्या वो इक्वल हैं। तो ग्रीन के साथ हम कैसे देखेंगे, ये वाले हैं इसके अंदर, यस दे आर आल्सो इक्वल, ठीक है। आर द एंगल्स मार्क्ड विद ब्लू आर इक्वल, क्या वो जो एंगल्स हैं वो जो ब्लू के साथ हैं वो इक्वल हैं, यस दे आर आल्सो इक्वल बिकॉज इनकी भी साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, इनकी साइड्स भी इक्वल है। आप ये देखो इनके अंदर ये जो फिगर बना रखी है आप देख सकते हो, इसके अंदर ये साइड ये साइड, ठीक है, ये साइड और ये साइड ये इक्वल है, ठीक है, एंगल्स इनके इक्वल हुए, इनकी साइड्स इक्वल हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल हुए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसके अंदर, ये साइड ये साइड ये इक्वल है, ये साइड ये साइड ये सब इक्वल है तो ये इनके एंगल्स भी इक्वल हुए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फोर डिफरेंट एंगल्स आर मार्क्ड इन फोर कलर्स, ये जो फोर एंगल्स हैं इनको फोर कलर से हमने मार्क किया हुआ है।
कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर द सेम एज वन मार्क्ड इन रेड, क्या आप बता सकते हो कि जो रेड के साथ मार्क्ड हैं वो वाले एंगल्स इक्वल हैं, सेम हैं, मार्क देम इन रेड, डू दिस फॉर द अदर कलर्स। ठीक है, तो अब लाइन चाहे देखो इसके अंदर मैं आपको बताऊं, अब लाइन जो है, लाइन चाहे छोटी हो, ये देखो ये मैं आपको बताऊं, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन और ये लाइन, ये अगर लाइन चाहे छोटी भी हो और ये बड़ी लाइन है, ठीक है, लेकिन इनके जो एंगल्स है ना ये सेम है, इनके जो एंगल्स है ना, एंगल्स बिल्कुल सेम है, इक्वल है। अब ये देखो ये है या फिर ये है, इनके जो एंगल्स है ना ये बिल्कुल सेम है, तो दैट मीन्स इन दोनों का डिस्टेंस चाहे लाइन चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो अगर सेम होता है तो एंगल्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो हेयर एंगल्स आर सेम बिकॉज डिस्टेंस इज सेम बिकॉज द लाइंस आर बिग, ठीक है, क्योंकि लाइंस जो है वो है बिग है, लेकिन जो इनका डिस्टेंस है वो सेम है, तो चाहे लाइंस बड़ी हो या चाहे लाइंस छोटी हो, लेकिन उनका डिस्टेंस अगर सेम है तो हम उनको बोलते हैं कि एंगल्स भी सेम है। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर क्या है, हमने इसमें क्या किया था, हमने इसमें आप ये देखो इसके अंदर भी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस चाहे इसके अंदर ये है कि चाहे डिस्टेंस कितना भी हो, चाहे डिस्टेंस डिस्टेंस अगर सेम होता है और एंगल्स अगर थोड़े से एंगल्स भी सेम ही होते हैं, ठीक है, डिस्टेंस और एंगल्स के साथ में दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो रेड के साथ जो मार्क्ड है, जो रेड के साथ मार्क्ड हैं उनको डू दिस फॉर अदर कलर्स, ये तो सेम है लेकिन इनको बाकी कलर्स के साथ भी आपको सेम टू सेम इसमें निकालना है। देखो ये है और ये है, ये दोनों फिगर्स बिल्कुल सेम है, इनका और इनका ये, ठीक है, इन दोनों के एंगल्स बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये इनके एंगल्स बिल्कुल सेम है। अब ये वाला देखो, ये इसके साथ ये वाला है, ठीक है, एंगल्स बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होंगे, इनके इनके जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 19 पे। हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स, तो आप ये बताओ, जैसे ये काफी सारी शेप्स दे रखी हैं, ये इसमें काफी सारी शेप्स दे रखी हैं, अगर आप हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय चेंजिंग द एंगल्स, अगर आप एंगल्स को चेंज करके, ठीक है, इसमें एंगल्स को अगर आप चेंज करते हो और शेप्स आप फॉर्म करनी है, ठीक है, एंगल्स चेंज करके उनकी शेप्स फॉर्म करनी है, जैसे कि ये है, ये फोर मैचस्टिक से बना हुआ है, कितनी है, 1 2 3 4, फोर मैचस्टिक से बना हुआ है, ठीक है, तो आप इनकी जो है इनके एंगल्स चेंज करके इनकी शेप चेंज करनी है, तो वो हम कैसे करते हैं, देखो ये है 1 2 3 4, ठीक है, इनके जो है एंगल्स हमने चेंज कर दिए तो इनकी शेप भी चेंज हो गई, ठीक है, तो इस तरह से आप एक और भी जैसे बना सकते हो, जैसे कि ये ऐसे 1 2 3 4 बना सकते हो ना, है तो फोर मैचस्टिक से ही बनाया ना हमने, और इनके लेकिन हमने इनके एंगल्स चेंज कर दिए, इनके जब एंगल्स चेंज हुए तो इनकी शेप्स भी चेंज हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप नेक्स्ट पे जा सकते हो, जैसे ये है, इसके साथ आप कैसे बनाओगे, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मैचस्टिक्स हैं, 8 मैचस्टिक्स से आप बनाओगे, अब कैसे बनाओगे इसमें, जैसे कि 1, ठीक है, 1 मैचस्टिक, 2 3 4, ये देखो 5, ठीक है, 6 7 और ये 8, ये है तो 8 ही मैचस्टिक, सेम 8 मैचस्टिक, 8 मैचस्टिक,
लेकिन इनका क्या किया, इनके हमने एंगल्स चेंज कर दिए, 1, 2, 3, 4, ये देखो ये बिग वाला एंगल बन गया, ठीक है, ये सारे क्या है, ये भी बिग वाला एंगल बन गया, तो ये सब क्या है, इनके हमने एंगल्स चेंज किए, तो इनकी मैचस्टिक की शेप भी चेंज हो गई, ठीक है। तो अब आगे हम कोई और भी कर सकते हैं, जैसे इनके बनाएंगे हम, ये 5 मैचस्टिक्स हैं, ओके, तो 5 से हम बना सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये तो 6 बन गई, चलो 5 से बनाते हैं, 5 से हम इसको ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये रैंडमली आप कुछ भी बना दो, ये तो फिश बन गई, ठीक है, 5 5 मैचस्टिक्स से ये तो फिश बन गई। तो आप इस तरह से ना काफी सारे आप अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, आपको अच्छा लगेगा, ये वाली गेम है बहुत मजेदार गेम है, आप इसे कर सकते हो स्टार्ट। अब आगे है मैथस्टिक पजल्स, ठीक है, इसमें है मैथस्टिक पजल, मेक 8 ट्राइंगल्स, ये फन फील्ड एक्टिविटी है, आप इसको बड़े मजे से बनाओ, मेक 8 ट्राइंगल्स यूजिंग 6 मैथस्टिक्स, ट्राई, देखो 8 ट्राइंगल्स बनाने हैं, इसके अंदर 6 मैथस्टिक्स को लेके, 6 मैथस्टिक्स को लेके, 6 मैथस्टिक्स को लेके 8 ट्राइंगल्स बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे, ये देखो ये मैंने बनाया 1 ट्राइंगल, ठीक है, ये मैंने ऐसे बनाया, अब ये देखो आप इसके अंदर देख सकते हो, ये फर्स्ट ट्राइंगल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ठीक है, ये है सिक्स, ठीक है, ये 6 ट्राइंगल्स हैं, अब हमें तो बनाने हैं 8, ये ध्यान से देखो, देखो 6 ये है और ये 7 और ये है 8, दैट मीन्स ये 8 बन गए, 8 ट्राइंगल्स हैं, हमने 8 ट्राइंगल्स बनाए 6 मैचस्टिक से, तो आप भी बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेक 8 मैचस्टिक्स एंड मेक अ फिश लाइक दिस, ये वो कह रहे हैं कि इस तरह से आप एक फिश ड्रॉ करो, फिश बनाओ 8 मैचस्टिक्स को लेके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये 8 मैचस्टिक्स हैं, उससे आप मेक अ फिश लाइक दिस, ठीक है। नाउ पिक अप एनी 3 स्टिक्स, वो कह रहे हैं कि 3 मैचस्टिक्स आप उठा सकते हो इसके अंदर से, गेम यही है कि सिर्फ 3 मैचस्टिक्स उठाओगे, एंड पुट देम इन सच अ वे दैट द फिश नाउ स्टार्ट स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो इसकी जो डायरेक्शन है इस टाइम पे ऐसे है, ये ऐसे जा रहे हैं, हमें बनाना है ऐसे कि इसकी जो डायरेक्शन है वो यहाँ से इस तरह से जाए, तो आप इसको कैसे बनाओगे, देखो हमने अगर ये वाली मैस्टिक्स को उठाते हैं, ठीक है, इस मैस्टिक को उठा के अगर हम लगाते हैं इस तरह, ये यहाँ पर कैसे बनेगी, ये इस ये वाली मैस्टिक उठा के अगर आप यहाँ लगाते हो तो ये बन जाएगी ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये हट जाएगी, ये लग गई यहाँ पर, देन उसके बाद हम ये वाली मैस्टिक उठा के और हम इसे फॉर्म करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखो ऐसे, ये ऐसे बनेगी, अभी हमने ये वाली मैस्टिक उठा दी थी, हमने लगाई थी, यहाँ, ठीक है, यहाँ पे लगाई थी, फिर उसके बाद हमने सेकंड वाली मैस्टिक उठाई थी, ये वाली, ठीक है, इसको उठाया और हमने लगाई यहाँ पर, यहाँ लगा दी, ठीक है, अब हमने थर्ड वाली मैस्टिक उठाई, ये वाली, ठीक है, अब हमने ये वाली लगा दी यहाँ पर, ठीक है, ये हट गई, तो अब ये जो है, अब ये देखो ये ऐसी शेप बन जाएगी कुछ, आप खुद ये बना के देखो, ये एक्चुअली में काफी मजेदार शेप्स होती हैं, आपको खुद को बड़ी पसंद आएगी कि ये वाली नहीं है, ठीक है,
कुछ इस तरह से आप बनेगी, इसकी जो डायरेक्शन है होती है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप इसको देखो करके, और उसके बाद जो है जो थर्ड एक्टिविटी है ये हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो स्टे कंटिन्यूड। और इसको, ये जो शेप्स वगैरह बनाई हैं ये सब आप अच्छे से फॉर्म करो, मैथ स्टिक से एक्टिविटी करो, एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय ऑल दीज एक्टिविटीज। सो थैंक यू सो मच।